क्या गेट 2022 पोस्टपोन होगा, क्या ESC पोस्टपोन होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो देखो, अभी मेरे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि टॉपिक ही नहीं बचा है। हर किस टॉपिक पे वीडियो बनाए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम गेट 2022 की बात कर रहे हैं, क्या गेट 2022 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन, अभी आपका ऑलमोस्ट अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई आने वाला है, उसके बाद आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट 8 मंथ है, कह सकते हो 7 to 8 मंथ है। ओके, तो क्या गेट 2022 पोस्टपोन होगा, इस पर आपके दिमाग में चल रहा होगा। मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करें गेट पिछले साल की, बात करें पिछले साल यही सिचुएशन था, गेट लोग पिछले साल भी लोग बोल रहे थे, तो फेब में हो गया था पेपर एक्चुअली। तो अभी 2021 की बात किया जाए तो 21 में गेट अपने एग्जैक्ट टाइम पे हुआ था, नो कोई पोस्टपोन नहीं हुआ था। ESC बाय द वे पोस्टपोन पहले कर दिया था, ESC तो भी करा सकता था पेपर, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल था, इतना भी बिग जनवरी में नहीं था। बट अभी का सिचुएशन देखा जाए तो बहुत बूम है, बहुत इसका इफेक्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीना, क्या वैक्सीनेशन के बाद आप लोग इतना होंगे कि क्या कोविड नहीं होगा, सिचुएशन इतना जल्दी, क्या वैक्सीन अभी कोविन जो अपने रजिस्ट्रेशन करा है, क्या वैक्सीन कितने जल्दी आपको मिलती है, क्या इंडिया के पास जो दिखाया जा रहा है उतनी वैक्सीन है, अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट जानती है। तो पता नहीं हम लोगों को क्या सच है क्या क्या गलत है। बाकी मेरा जो मानना है 2022 गेट का, तो पहले ESC की बात कर लें। ESC जो अभी है ये ऑलमोस्ट समझ सकते हो पोस्टपोन होने वाला है। ESC का एग्ज़ाम जो भी है, सिविल सर्विस है, ये एग्ज़ाम पोस्ट, क्योंकि 1-2 महीने में सिचुएशन टलने वाली नहीं है। अभी आप 3600 डेथ की आंकड़े आ चुके हैं, मे भी आगे जाके 5000-10000 डेथ भी आए, आई होप, आशा करता हूँ ये डिक्रीज हो, बढ़े ना, बस मेरा जो मानना है दिल से। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ESC गेट भी अगेन पोस्टपोन होने, ये सॉरी ESC और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला ये 100% है। और इस सिचुएशन में आप नहीं करा पाओगे एग्ज़ाम, क्योंकि जुलाई में है, तो आपका मई, अब मई में इतनी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे जो सिचुएशन लग रहे। बट सिचुएशन कंट्रोल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो जाएगा, ये तो गारंटी है। अब गेट 2022 में अभी 8 महीने का टाइम है, तो 8 महीने में ऐसा नहीं कि लगातार यही सिचुएशन रहेगा इंडिया में, सिचुएशन डाउन होंगे, मे बी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चले, 3-4 महीने में आई थिंक ये कंडीशन एकदम नॉर्मल हो जाए। और आपका पेपर है फेब में, तो मे बी ये सिचुएशन अक्टूबर नवंबर तक चला तो इफेक्ट पड़ सकता है इसका गेट एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका फॉर्म भी सितंबर में आता है। तो सोचेंगे यार सितंबर में फॉर्म आता है, सिचुएशन कैसा है क्या है, उस सिचुएशन में डिपेंड करता है गाइज। तो अब सारा चीज़ें देखकर इन गवर्नमेंट को और जो ITs इस वक्त कंडक्ट कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन देख के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना पड़ेगा गाइस। आई होप, मैं सोचता हूँ गेट तो नहीं पोस्टपोन होगा, मुझे जो लगता है 2022 का। बाकी अभी सिचुएशन देखते रहिए, और सिचुएशन जैसे क्रिटिकल होगा, क्योंकि लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं हो पा रही, इस पर भी थोड़ा सा लोगों को सोच के करना पड़ेगा। एक्चुअली लोग प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, जो सही बात माने, किसी के घर में 1 रूम है, किसी के घर में 2 रूम है, ये सारी चीज़ें को देख कर करना पड़ता है गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।